लेकिन आप कौन होते हैं कि जगह जगह पे लान करने वाले, भगवान श्री राम के नाम से नारे देके लोगों को मारने वाले या काटने वाले? क्या भगवान श्री राम ने आपको लिख के दिया कहीं पे कि तलवारें उठाओ और हर एक धर्म के ऊपर जो है गले के ऊपर बांधो? आप तो रैलियों में नारे लगा देते हो, लेकिन जो लगवाते हैं, जो लीडर ऐसी बातें बोलते, क्या आपको वो दिखते हैं रोड पे? क्या उनके बच्चे आपको रोड पे दिखते हैं? और आप ही आगे आके अपना फ्यूचर तबाह करने की बात करते हैं? आजादी का वक्त आया था, हमारे मुसलमान भाई भी साथ में थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, और आज क्यों हमें धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है? कभी किसी ने सोचा? बात बजरंग दल की या ऐसे संगठनों की? ऐसे संगठन अपनी ही धर्म की पैरवी करें, अपने धर्म को मजबूत करें। अगर अपने धर्म में आपको मजबूत है तो कोई भी धर्म आपको गलत नहीं बोल सकता। अगर किसी ने दंगा फैलाने की बात की, हम किसी का ऑर्डर नहीं सीधा उनकी टांगे तोड़ेंगे। ऐसे ऐसे अच्छे होनहार पुलिस ऑफिसर हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी बोलने वाला इंसान वो इंसान नहीं, वो अपने धर्म का सगा नहीं। भगवान श्री राम ने काटने मारने कहीं भी बयान लिखा हुआ है? क्या हमारे भगवान हनुमान जी ने कहीं बोला किसी को काटो? उनको यह समझ नहीं दिमाग में आ रहा कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से धर्म के नाम पे जो है राजनीति की जा रही है, धर्म के नाम पे आपस में बांटा जा रहा है। भाजपा जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है और कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, इसको धर्म की राजनीति के नाम पे जो है आज वोट बटोरे जा रहे हैं। आज जब आप ऐसी बातें बोलेंगे तो वो क्या हिंदुस्तान या आपस में हिंदू मुस्लिम की जब ऐसी बातें होगी तो क्या वो दोबारा देशभक्त बनने की बात करेंगे? अगर ऐसी ही दुश्मनी या मुंह में बयानबाजी निकलती रही तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी फिर दंगों वाली जो चीजें हैं वो ऐसे लोग जो है वो करने का कार्य कर रहे हैं। जब धर्म की बात आएगी तो धर्म के अंदर अगर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन या ऐसी कंट्रोवर्सी ऐसी बातें होंगी तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी फिर माहौल जो है वो खराब होगा और उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एलजी साहब फिर खुद बुकते बयान से जो है यहां पे मैं मानता हूं कि हमारे मुसलमान भाइयों को ठेस पहुंची होगी, क्योंकि हम सनातनी नहीं चाहते कि किसी धर्म के खिलाफ बोले। सनातन वो धर्म है जो हर एक की इज्जत करता है और जब से सृष्टि चलती है और जब तक खत्म होगी तब तक सनातनी रहेगी। जब कोई राजनेता या कोई लीडर इस धर्म को लेकर आगे चलता है तो क्या उसका बच्चा खुद वहां पे फ्रंट पे होता है? कोई नहीं। उनके बच्चों का फ्यूचर देखिए, उनके घर देखिए, उनको खुद को देखिए, वो कहां बैठे हैं। लेकिन हमारे मासूम नौजवानों को जो है वो भड़का के आपस में धर्म के नाम पे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर राजनीति की जा रही है। हमारे देश के अंदर जब हम 15 अगस्त को या 26 जनवरी को तिरंगा जब हम लहराते हैं तब हमारी जात पात नहीं होती, तब धर्म का नाम नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम। देखिए, जैसे कि हम भी सनातनी हैं, हम भी अपने धर्म की इज्जत करते हैं, हम भी भगवानों को पूछते हैं और साथ ही साथ में हमारे जो धर्म और भी हैं हम उनकी भी इज्जत करते हैं। जो अपने धर्म में रह के किसी और धर्म की खिलाफत करे, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे वो मुसलमान में हो, चाहे वो ईसाई में हो, चाहे वो सिखिज्म में हो, चाहे वो जैनिज्म में हो, चाहे वो बुद्धिज्म में हो, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी बोलने वाला इंसान वो इंसान नहीं, वो अपने धर्म का सगा नहीं। और यहां पे आपके चरण के माध्यम से एक चीज मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि यहां पे भी कुछ ऐसे लोग टिप्पणियां करेंगे मेरे इस बयान के बाद कि जो फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन उनको यह समझ नहीं दिमाग में आ रहा कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से धर्म के नाम पर जो है राजनीति की जा रही है, धर्म के नाम पर आपस में बांटा जा रहा है। हमारे देश के अंदर जब हम 15 अगस्त को या 26 जनवरी को तिरंगा जब हम लहराते हैं तब हमारी जात पात नहीं होती, तब धर्म का नाम नहीं होता, लेकिन जब हमारे यहां पे भगवानों के नाम पे काटने मारने की बातें की जाती है, क्या भगवान श्री राम ने काटने मारने कहीं भी बयान लिखा हुआ है? क्या हमारे भगवान हनुमान जी ने कहीं बोला किसी को काटो? अरे भाई साहब, अगर कोई गलत है, चाहे वो कोई भी कौम का इंसान हो, उसके खिलाफ सरकारें बनी है, उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ है, लेकिन आप कौन होते हैं कि जगह जगह पे लान करने वाले, भगवान श्री राम के नाम से नारे देके लोगों को मारने वाले या काटने वाले? क्या भगवान श्री राम ने आपको लिख के दिया कहीं पे कि तलवारें उठाओ और हर एक धर्म के ऊपर जो है गले के ऊपर बांध दो? ये किस तरीके की आप बात कर रहे हैं? और मुझे बताइए, आपको जब कोई राजनेता या कोई लीडर इस धर्म को लेकर आगे चलता है तो क्या उसका बच्चा खुद वहां पे फ्रंट पे होता है? कोई नहीं। उनके बच्चों का फ्यूचर देखिए, उनके घर देखिए, उनको खुद को देखिए, वो कहां बैठे हैं। लेकिन हमारे मासूम नौजवानों को जो है वो भड़का के आपस में धर्म के नाम पे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर राजनीति की जाती है। हम लोगों ने
जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्र हिंसक का निर्माण किया है। उस राष्ट्र हिंसक का मकसद है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको यूनाइट करके एक गुलदस्ते में जैसे थे पहले वैसे ही उनको जो है खिलखिलाना। और जम्मू कश्मीर के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, और जब आजादी का वक्त आया था हमारे मुसलमान भाई भी साथ में थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। और आज क्यों हमें धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है कभी किसी ने सोचा? और मुझे बताइए कि अब्दुल कलाम जैसे हमारे राष्ट्रपति हिंदुस्तान के अंदर रह चुके हैं जिन्होंने परमाणु या जिन्होंने अच्छी अच्छी साइंटिस्ट के अंदर हमें वो विज्ञान अपना अपना हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए वो चीजें दी हैं। लेकिन आज जो आप ऐसी बातें करते हैं हमें दुख होता है कि किस तरीके से आप ऐसी बातें करते हैं। और रही बात बजरंग दल की या ऐसे संगठनों की, ऐसे संगठन अपनी ही धर्म की पैरवी करें, अपने धर्म को मजबूत करें। अगर अपने धर्म में आपको मजबूत है तो कोई भी धर्म आपको गलत नहीं बोल सकता। अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर मुस्लिम या ईसाई या सिख या हिंदू कोई भी गलत करता है तो उसके खिलाफ एकजुट होकर एक साथ होकर आवाज उठ के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि हमारे यहां पे दंगे फसाद नहीं होने का जो है वो कार्य किया जाए। इस बयान से जो है यहां पे मैं मानता हूं कि हमारे मुसलमान भाइयों को ठेस पहुंची होगी, क्योंकि हम सनातनी नहीं चाहते कि किसी धर्म के खिलाफ बोले। सनातन वो धर्म है जो हर एक की इज्जत करता है, और जब से सृष्टि चलती है और जब तक खत्म होगी तब तक सनातनी रहेंगे। और सनातनियों को इज्जत करना, हर एक धर्म का अपना सम्मान करना जो है उनको आना चाहिए। देखिए अगर इस तरीके की बयानबाजी होगी, इस तरीके से धर्म के खिलाफ जो है लड़वाया जाएगा तो दंगे फसाद होंगे। हम लोग कुछ दिन पहले एक ऑफिसरों के साथ बैठे थे पुलिस डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि अब अगर किसी ने दंगा फैलाने की बात की हम किसी का ऑर्डर नहीं सीधा उनकी टांगे तोड़ेंगे। ऐसे ऐसे अच्छे होनहार पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन मुझे बताइए अगर नू में या हरियाणा में ऐसी चीजें हुई हैं आज क्यों नहीं उनको पकड़ा जा रहा? काफी लोगों के ऊपर FIR भी लगी, काफी चीजें हुई, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि उसकी जड़ क्या थी? कौन सी बेस थी जिन्होंने उसको जो है बहुत बड़ा ये अपना काम दे दिया? चाहे उसमें मुसलमान ने गलत किया, चाहे हिंदुओं के साथ क्या हुआ, चाहे हिंदुओं ने गलत किया, दोनों को जो है बराबर पक्ष में लाते हो, जो गुनहगार है उसको जेल के सलाखों के अंदर बंद करना चाहिए। और रही बात इस बयानबाजी की, अगर ऐसी ही दुश्मनी या मुंह में बयानबाजी निकलती रही तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी फिर दंगों वाली जो चीजें हैं वो ऐसे लोग जो है वो करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रशासन को अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है कश्मीर जैसे एरिया में, मैं खुद गवाह हूं कश्मीर जैसे एरिया में डाउन टाउन नौजवान आज तिरंगा लेके घूमते हैं, तिरंगे के साथ डीपीएल लगा के आज बैठे हैं। क्या आज जब आप ऐसी बातें बोलेंगे तो वो क्या हिंदुस्तान या आपस में हिंदू मुस्लिम की जब ऐसी बातें होगी तो क्या वो दोबारा देशभक्त बनने की बात करेंगे? इतने अच्छे तरीके से हमारा जो देश है एकजुट होने की बात कर रहा है। कश्मीर जो कि हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ हमारे वो लड़के रहे हैं जो आज मगर किसी और साइड में थे, आज वो ढंग से हिंदुस्तान की तरफ प्रति मूव कर रहे हैं, क्या आप उनको फिर से उसी रास्ते पर लेना चाहते हो? क्या कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर क्या आप ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हो कि हमारे भाइयों के साथ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव जो है आज भी आप रखना चाहते हो? और आप तो रैलियों में नारे लगा देते हो लेकिन जो लगवाते हैं, जो लीडर ऐसी बातें बोलते हैं, क्या आपको वो दिखते हैं रोड पे? क्या उनके बच्चे आपको रोड पे दिखते हैं? और आप ही आगे आके अपना फ्यूचर तबाह करने की बात करते हो और अपने धर्म की इतनी टेंशन है तो अपने धर्म की, अपने सनातन धर्म की हम प्रचार जैसे कर रहे हैं, आइए हमारे साथ अपने धर्म का प्रचार करिए, अपने धर्म के लोगों को समझाइए कि सबसे पहले अगले मजहब की इज्जत करो उसके बात अपनी जरूरी। ये भाजपा जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है और कर रही है हिंदुस्तान के अंदर। इसको धर्म की राजनीति के नाम पे जो है आज वोट बटोरे जा रहे हैं। और मैं कहता हूं हमारे भगवान, हमारा धर्म, हमारा मजहब जो है वो राजनेताओं ने इसको भी उसको आड़े ला के खड़ा कर दिया है। अब भगवान श्री राम के नाम के वोट, हनुमान जी के नाम के वोट, हमारी माताओं के, हमारे देवी देवताओं के नाम के वोट और धर्म के नाम के वोट जो है वो लिए जाते हैं। जो अगर धर्म के नाम पर भगवान के नाम पे वोट लेंगे तो मुझे बताइए पब्लिक की वो कब सेवा करेंगे, कब पब्लिक की खिदमत करेंगे? अरे उनके घरों में जाके देखो जिनके घर राशन नहीं मिलता, नारे छोड़िए, पहले अपने इंसानों को बचाइए, पहले अपने नौजवानों को बचाइए, बच्चों को बचाइए, बूढ़े बुजुर्गों को बचाइए, उसके बाद धर्म की बात करना। धर्म के नाम पर चार लड़के इकट्ठे होकर नारे लगाना शुरू करते हैं लेकिन किसी एरिया में अगर कोई भूखा सोता होगा उसके पास कोई नहीं जाएगा, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा, तब धर्म की बात नहीं आएगी। LG साहब से यही अपील करना चाहिए
जाते हैं जी साहब, अगर ऐसा ही चलता रहा जम्मू कश्मीर के अंदर, पहले तो हम लोग खुद ही कोई पहाड़ी, कोई कश्मीरी, कोई डोगरा, कोई कुछ ऐसे लड़ लड़ के रहे, लेकिन अब जब धर्म की बात आएगी तो धर्म के अंदर अगर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन या ऐसी कंट्रोवर्सी ऐसी बातें होंगी तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी फिर माहौल जो है वो खराब होगा, और उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एल जी साहब फिर खुद भुगते, या तो पहले इस पर ऐसा प्रावधान करें कि किसी मजहब के खिलाफ जो है वो बात या ऐसी टिप्पणी जो है वो ना की जाए, किसी भी मजहब को ठेस ना पहुंचे। आज हमारे मुसलमान भाइयों पर ठेस पहुंची है, कल जब हमारे लिए बात होगी हमें भी ठेस पहुंचेगी, हम भी ऐसे रोड़ों पर आने के लिए तैयार होंगे। मैं कहता हूं कि ऐसा भाईचारा ना तोड़े, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, काफी सदियों से हमारे साथ, आजादी से पहले हमारे साथ रहते हैं और आजादी के टाइम भी कुर्बानियां दी हैं। तो आप कैसी कैसी बात करते हैं, जफर शाह जो हमारे, जिसने अपने खुद के दो बेटे कुर्बान करके उसके आगे रखे गए थे, वो बेचारे मुसलमान थे, बॉर्डरों के ऊपर आर्मी के कम से कम भी 20-25% आर्मी जवान आज मुसलमान है, तो आप कैसी बातें करते हैं मुझे बताइए। ऑफिसर आईएएस आईपीएस मुसलमान है तो आप कैसी बातें करते हैं। देश के अंदर ये कंट्रोवर्सी भेदभाव धर्म का ना किया जाए, जो ऐसी बात करे उसके ऊपर सख्त कानून जो है वो लागू होना चाहिए।